हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो आज मैं बात करने वाली हूँ फिलिप्स के एपिलेटर का, क्योंकि मेरे पास फिलिप्स का एपिलेटर है इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये है फिलिप्स का सैटिनल एपिलेटर। दिस इज कॉर्डेड कॉम्पैक्ट एपिलेटर फॉर लेग्स एंड सेंसिटिव एरिया। ऐसा इसमें दिया है, ऐसी इसकी पैकेजिंग है। तो मैं इसे हाथ पैर और अपने अंडर आर्म्स के लिए यूज करती हूँ। मैंने इसे कभी भी अपने फेस पे यूज नहीं किया, इतनी मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने फेस पे यूज करूँ। और अभी अभी जाके मतलब आफ्टर 5 to 6 months मैंने अपने हाथ पैर पे बराबर इसे यूज करना सीखा है। चेहरे पे मुझे ज्यादा जरूरत भी नहीं है और मैं कभी हिम्मत करूंगी भी नहीं। एपिलेटर्स या फिर कोई भी चीज मैं अपने चेहरे पे यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो अब बात करते हैं कि एपिलेटर क्यों? हम या तो वैक्सिंग कर सकते हैं, हम रेजर यूज कर सकते हैं, तो एपिलेटर क्यों हमें लेना है जो कि एक्चुअली 2800 रुपीज का है? इतना पैसा हम एपिलेटर्स पे क्यों इन्वेस्ट करें? तो पहली बात, अगर आप रेजर यूज करते हैं तो रेजर से बाल तो फटाक से निकल जाते हैं। मुझे भी रेजर पसंद है क्योंकि एकदम फटाक से काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लगता नहीं है, कोई दर्द नहीं होता और काम हो जाता है। लेकिन रेजर से अगर आपने देखा है तो रूट से बाल नहीं निकलते हैं। रेजर इज अ कन्वीनियंट ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है, लेकिन ओनली दिक्कत इज उससे रूट से बाल नहीं निकलते, तो जो आपके पोर्स होते हैं उसको वो क्लॉक कर देता है क्योंकि रूट से बाल निकले नहीं है और फिर आपको दाने वगैरह आने लग जाते हैं। तो इसीलिए रेजर मैं यूज नहीं कर रही हूँ। सेकेंड है वैक्सिंग। वैक्सिंग तो मैं करवा सकती हूँ लेकिन वैक्सिंग की एक दिक्कत है। देखिए, मैं रहती हूँ हैदराबाद में, यहां पर अगर मैं नॉर्मल पार्लर अगर भी जाती हूँ, क्योंकि मैं रीका वैक्स यूज करती हूँ, तो रीका वैक्स का सिर्फ हाथ और अंडर आर्म्स का मुझसे वो 1200-1500 रुपए ले लेते हैं। घर पे एक हाथ से तो खुद से हो जाता है लेकिन दूसरे हाथ में दिक्कत आती है, तो इसीलिए मुझे जाना ही पड़ता है। अब वो अगर मैं 2 बार वैक्सीन करवाने नहीं जाऊं तो मेरे 1200-1200 यानी 2400 रुपए वैसे ही बच गए, या फिर 1500 रुपए लेते हैं तो 3000 रुपए बच गए। तो उतने में मेरा ये एपिलेटर आ जाएगा और जो कि मैं हमेशा यूज कर सकती हूँ, कभी तक भी, मतलब मुझे लगता है काफी समय तक चलेगा। तो और वैक्सीन जब आप करते हैं तो, क्योंकि मैं रीका वैक्स करती हूँ या फिर कोई भी आप हॉट वैक्स भी अगर यूज करते हैं तो वो गर्म होता है। अगर आप कोई भी गर्म चीज को गलती से छू लेते हैं तो वो आपके हाथ पैर जल जाते हैं। वैसे ही जब हम वो गर्म वैक्स अपने हाथ पैर में लगाते हैं तो हमारी स्किन भी जल जाती है, लेकिन क्योंकि हमें वो सहन शक्ति आ जाती है वैक्स करवा करवा के, फिर हमें वो एहसास नहीं हो। तो इसीलिए मैंने वैक्सीन करना छोड़ दिया। उतना पैसा मैंने बचा के 2 बार का, 2 महीने का मैंने पैसा बचा के इस पे इन्वेस्ट कर दिया और ये मैंने खरीद लिया और अब मैं इसे यूज कर रही हूँ 5-6 महीने से और मुझे अभी अच्छे से आ भी गया है। तो फिर आती है कोल्ड वैक्स की बारी। कोल्ड वैक्स से मैंने आज तक मेरा कोई एक्सपीरियंस उससे अच्छा रहा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कोल्ड वैक्स एकदम ही बेवकूफ ऑप्शन है, उससे बराबर बाल वाल कुछ निकलते नहीं है, बहुत ही ज्यादा मेसीनेस हो जाती है। और इवन वैक्सीन की ही बात करें तो चिपचिप और वो सारी चीजें हो जाती है जो कि मुझे पसंद नहीं है। सो नेक्स्ट चीज ये है कि आप जब भी आप ये यूज करें, उसके पहले एपिलेटर यूज करने के पहले जो भी एरिया, जैसे आप हाथ या पैर में आप एपिलेटर यूज करने वाले हैं, तो उसके पहले वो एरिया को थोड़ा सा स्क्रब कर लीजिए। जो भी आपकी डर्ट इम्प्योरिटीज आपके हाथ वगैरह में है वो सब आप रिमूव कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रब कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप एपिलेटर यूज करेंगे उसके बाद आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, एकदम स्मूथ रहेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा स्क्रब कर लेंगे तो आपके बाल भी इजीली निकल जाएंगे। तो या यही सारी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, थोड़ी आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेन मुद्दा कि इसे यूज कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हेलो, मेरा नाम है अंजलि और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देंगे ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिले। एपिलेटर है वो कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है, इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, इस तरफ भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी इस प्रोडक्ट की। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, ये मैंने खोल दिया है इसीलिए ऐसा फटा वगैरह है, वरना आपको ये प्रॉपरली पैक करके मिलेगा कुछ इस तरीके से। एपिलेटर आप देख सकते हैं ये मैंने यूज कर लिया है और यहाँ पर ये 2 सेटिंग आती है, यहाँ पर आप ऑन
ऑफ कर सकते हैं, एक मीडियम है, बीच वाली मीडियम है और ये ऊपर वाली हाई है। इस तरीके से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं और इसका जो हेड है ये भी रिमूवेबल है, तो आप इस तरफ स्लाइड करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, फिर से आप इसे बंद करके इस तरफ स्लाइड करेंगे तो वो लॉक। तो आपको ये ब्रश भी मिलता है जिससे कि आप अपना एपिलेटर क्लीन कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग इट, तो ये इस तरीके का एक आता है। आपको मिलती है ये एक सेंसिटिव एरिया कैप, जैसे कि आप अंडर आर्म्स वगैरह में इस कैप का यूज करके आप अपने अंडर आर्म्स वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपके एपिलेटर में कुछ इस तरीके से फिट होता है एंड यू विल गेट दैट टक करके साउंड आपको आएगा, मतलब वो फिट हो गया है। ये यहाँ पर एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसा एक दिया हुआ है एक गैप यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस कैप में भी आपको यहाँ पर और यहाँ पर एक हुक मिलेगा जो कि इस गैप में जाके फिक्स हो जाएगा, तब आपको एक टक से आवाज आएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि ये कैप प्रॉपरली फिक्स हो गई। साथ आपको ये एक इंस्ट्रक्शन का वो भी मिल जाता है पेज, जहाँ पर आपको सब कुछ सारे डायरेक्शन किसे कैसे यूज करना है सब कुछ दिया हुआ है, आगे पीछे ये प्रॉपरली सारी चीजें डायग्राम के थ्रू बताई गई है, क्या क्या इसमें आपको चीजें मिलेगी वो भी यहाँ पर पूरा मेंशन किया। ये केबल मिलता है जो ये है आपके एपिलेटर में लगेगा और फिर आपको इसे प्लग इन करना है एंड देन ओनली इट विल वर्क। इट इज नॉट कि आप उसे चार्ज करके रख दो और ये वर्क करेगा, जब तक कि आप इस केबल को उसमें अटैच नहीं करेंगे तब तक कि आपका एपिलेटर काम नहीं होगा। मैं अपने हाथ के बाल निकालने वाली हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बाल हैं जो कि दिख रहे हैं, तो मैं इसी को आज निकालूंगी। निकालने से पहले, एपिलेटर यूज करने से पहले, मैं पहले इस एरिया को, अपने हाथ को, या फिर आप पैर कर रहे हैं तो पैर को, अंडर आर्म्स कर रहे हैं तो अंडर आर्म्स को पहले थोड़ा स्क्रब कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं इसे स्क्रब करूंगी बाय यूजिंग ये एम कैफीन का बॉडी स्क्रब। इसे मैंने इस छोटे से बोल में निकाल लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और वो एरिया को स्क्रब कर दूंगी, जो भी डर्ट इम्प्योरिटीज है वो सब मैं पहले निकाल दूंगी, उसके बाद ही मैं एपिलेटर यूज करूंगी। थोड़ी देर आप इसे स्क्रब करने के बाद एक क्लीन क्लॉथ से पोंछ लीजिए या फिर आप इसे वॉश भी कर सकते हैं, आप अपने हाथ को धो लीजिए और उसके बाद हम एपिलेटिंग शुरू करेंगे। तो मैंने इसे प्लग इन कर दिया है, ये कुछ थोड़ी जोर की आवाज करता है गुड़ कैसे तो भी करके मैं आपको सुना देती हूँ। बहुत जोर की, दिस इज मीडियम सेटिंग और ये हाई है, हाई में इतनी आवाज करेगा, मीडियम में इतनी आवाज करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट है, इतनी आवाज करता है। सबसे पहले जहां भी आप एपिलेटिंग करने वाले हैं वहां पर आप देख लीजिए कि आपके बालों का डायरेक्शन क्या है, अगर वो नीचे की तरफ है, पॉइंट कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो आपको एपिलेटर ऊपर की तरफ यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है और हमेशा अपना एपिलेटर 90 डिग्रीज में पकड़िए और इस तरीके से ऊपर लेके जाए। कुछ इस तरीके से 90 डिग्रीज में होल्ड करूंगी और इसे एकदम धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगी, जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इसे लेके जाना है। तो इस एरिया के मैंने पूरे बाल निकाल लिए, आप देख सकते हैं, एंड एज मैंने इसे स्क्रब किया था मेरी स्किन भी ड्राई नहीं हुई, इट्स फीलिंग वेरी सॉफ्ट, काफी सॉफ्ट है। और आप देख सकते हैं एपिलेटर में भी यहाँ पर पूरे बाल जो भी निकले हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस ब्रश के हेल्प से, जो हमें ब्रश मिला था, कहाँ है वो ब्रश, ये है हाँ, तो इस ब्रश के हेल्प से हम इस बाल को ऐसे इस तरीके से क्लीन भी कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए, जब भी आपका यूज हो जाए, इसे यूज करके हो जाए, आप उसे ऐसे क्लीन कर लीजिए अच्छे से। और एक और बात, आप अगर इसे सही पोजीशनिंग में नहीं यूज कर रहे हैं, सही पोजीशन में रख के या फिर सही 90 डिग्रीज में रख के नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये अपने आप ऐसा चलने लगेगा, कोई बाल नहीं निकलेंगे, बस ऐसा डर डर ऐसा होता रहेगा और उससे कोई बाल नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने सही से पकड़ा नहीं है या फिर आपने जिस हिसाब से उसे रखा है वो सही नहीं है, तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये अपने आप ही आगे बढ़ रहा है, ये देखिए कोई बाल नहीं निकल रहा है, बस अपने आप आगे बढ़ रहा है, मैंने बस रखा है, ये देखिए। मिस्टेक मैंने की है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो ऐसे ऐसे मैंने सीखा है इसलिए अब मैं इसे ही यूज करती हूँ, अब मैंने इसे सीख लिया और इसको सीखने के लिए भी बहुत मेहनत लगी है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था आपके लिए, ताकि आप ये सारी गलतियां ना करें जो मैंने की है। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान पे रखते हुए आपने देखा कि मैंने अपने हाथ के बाल निकाले हैं और बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा अगर करने लग जाएंगे ना, आप यूज करने लग जाएंगे तो आपको इजीली आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें।
सो यार दैट इज ऑल, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए, और बाय बाय।